गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को करने जा रहा हूं चैलेंज क्योंकि आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जावा प्रोग्रामिंग में जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं सारे के सारे सबमिशन आप लोग नीचे कर सकते हो कमेंट सेक्शन में ध्यान से सुनना सवाल को सॉल्यूशन भी बताऊंगा शॉर्ट आउट भी दूंगा उन लोगों को जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे वहां पे देखते हैं ध्यान से कि, क्या वो प्रॉब्लम है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है और किस तरह से सॉल्व करना है लेट्स गेट स्टार्ट सो गैस क्वेश्चन यहाँ पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम लोगों को बच्चों द्वारा मार्क्स जो प्राप्त किए हैं उन्होंने बोर्ड एग्जाम है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आप लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम जो है मिल जाएगी कहीं पे भी एक सॉफ्टवेयर जब भी हम कोई बनाते हैं किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है तो उसका पर्पज़ होता है कि वो किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये जो सॉफ्टवेयर बनाओगे आप ये भले ही एक छोटा सा जावा प्रोग्राम होगा लेकिन ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो कि है मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बच्चों के पास अगर पांच सब्जेक्ट हैं छः सात आठ आप किसी भी तरह के एग्जाम की बात कर लो उनको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तब आप लोग क्या करोगे कि वो सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो यूज़र से पूछोगे कि भाई आपके सब्जेक्ट वन में कितने मार्क्स आए सब्जेक्ट टू में कितने मार्क्स आए सब्जेक्ट थ्री में कितने मार्क्स आए और उस हिसाब से फिर आप लोग उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे एक या मैं सजेशन आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप बच्चों के मार्क्स पूछोगे तो आप एक स्टार्टिंग में वेरिएबल बनाना जिसमें आप स्टोर करोगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं मैंने यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है मार्क्स आर आउट ऑफ हंड्रेड बट आपके मार्क्स जो है वो अगर आउट ऑफ हंड्रेड ना हो के आउट ऑफ एट्टी भी हो जाते हैं तब भी आपका प्रोग्राम काम करना चाहिए तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अ गिवन स्टूडेंट इन सी बोर्ड एग्जाम हिज मार्क्स फ्रॉम फाइव सब्जेक्ट्स मस्ट बी टेकन एज इनपुट फ्रॉम द की बोर्ड यानी कि आप पूछो यूजर से कि भाई सब्जेक्ट वन के मार्क्स सब्जेक्ट टू के मार्क्स सब्जेक्ट थ्री के फोर के फाइव के और उसके बाद आपको बताना है कि भाई आपके इतने प्रतिशत मार्क्स आए हैं इतने परसेंट मार्क्स आए हैं और ये जो प्रोग्राम है वो एक्चुअल में फ्यूचर में कभी आप कोई जावा में जी ओ वाई बनाते हो कोई वेब ऐप बनाते हो तो आप प्लग इन करके इसको यूज़ कर सकते हो इवन एंड्रॉयड ऐप अगर आप बनाते हो तो आप इस लॉजिक को प्लग इन करके एक ऐप बना सकते हो जो कि पांच सब्जेक्ट के मार्क्स लेके सबमिट क्लिक करें जैसे ही आप वैसे ही ये आपका स्क्रीन पर फ्लैश करेगी भाई इतनी परसेंट आपकी आई है अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ जो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा मैं उसको शाउट आउट दूंगा लेकिन अगेन अगर आप बहुत लेट हो जाते हैं सबमिट करने में क्वेश्चन को तो आपको जो है शाउटआउट मिलना मुश्किल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को जो है शाउट आउट दूंगा जैसे जैसे आप लोग अपने जितने भी सॉल्यूशन है उनको अपलोड करोगे मैं उसको देखूंगा और आप लोग अगर जल्दी प्रोग्राम जो है अपना बना के अपलोड कर देते हो तो मेरे लिए आसान होगा देखना क्योंकि मैं जैसे अगला वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देख पाऊँगा और आपको शाउट आउट दूंगा लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कब इसको देख रहे हो सकता है मैंने पूरा कोर्स कम्प्लीट कर दिया उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो लेकिन उसके बाद भी आप नीचे कमेंट करोगे मैं आपको दिल दूंगा मैं आपका सॉल्यूशन जैसे ही देखूंगा और कुछ भी इनसाइट्स होंगी तो मैं मैं उसको आपको कमेंट करके बताऊंगा उसी के साथ साथ एक बात और पर बोलना चाहता हूं मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोज में पिछले कोर्सेज में मैंने दी वहाँ पर देखा है कि लोग क्या करते हैं एक दूसरे का प्रोग्राम कॉपी करके सबमिट करते हैं यार ऐसा मत करना प्लीज क्योंकि ये काफी चाइल्डिश बिहेवियर होगा अगर आप ऐसा करते हो किसी एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ कोड आप सबमिट करते हो यहाँ पर वो गलत है आप लोग अपना प्रोग्राम बनाओ मुझे नहीं लगता कि आप जो है आपकी कैपेबिलिटीज इतनी कम है कि आपको कॉपी करना पड़े बहुत सिंपल प्रोग्राम है हो सकता है फ्यूचर में मैं लेवल थोड़ी सी बढ़ाऊँ लेकिन उसके बाद भी आप कोर्स देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सबमिट ज़रूर करना अपना आंसर मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा और इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ आने वाली हैं उनके भी सॉल्यूशन वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊंगा रिलेटिवली ये वीडियो छोटा होने वाला है तो उसको जल्दी खत्म करता हूँ नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना प्ले को बुक जरूर कर लेना जावा की इस पर बहुत सारे वीडियोज़ होंगे जब आप देख रहे हो इस प्ले को तो आप इसको बुक कर लेना और इसको सेव कर लेना यहाँ पर क्लिक करके उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को शेयर करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करोगे तो मैं वापस से अपनी स्टोरी में इसको जरूर लगाऊंगा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम